हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक, एकदम सिंपल भी है। नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इस टॉपिक में पहले आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का कंसेप्ट क्या है और हम लोग एक्सपेंस को कैसे बांटते हैं सेल्स रेशियो टाइम रेशियो में। सेकेंड, इससे रिलेटेड हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान सुनना, कम समय में आपको चैप्टर समझा दूंगा। इनकेस मेरा वॉइस अगर आपको क्लियर सुनाई नहीं आएगा, आप हेडफोन यूज करें। प्रॉफिट प्रायोरिटी इनकॉर्पोरेशन उसको अप्लाई होता है जो लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर करते हैं और एक नया कंपनी बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप खुद का नया बिजनेस शुरू करोगे आपके ऊपर ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा, सुनिए ना। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर किए, हमने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, अब एक कंपनी को फॉर्म करना है। तो गेस डेट पकड़ के चलो, 1 अप्रैल 2018 को हमने किसी का बिजनेस एक्वायर कर लिया। कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन है जो लोग कंपनी को फॉर्म करने का फॉर्मेलिटीज करेंगे कि कंपनी का मेमोरेंडम बनाना है, आर्टिकल बनाना है, कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना है As per the Companies Act 2013, जब ये ग्रुप ऑफ पर्सन कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करेंगे इसके लिए समय लगता है, ओके? जब ये ग्रुप ऑफ पर्सन पूरा फॉर्मेलिटी कंप्लीट करेंगे कंपनी को फॉर्म करने का, तो इसको समय लगता है। तो कंपनी को हमने बिजनेस खरीद लिया, बिजनेस को हमने किसी से खरीद लिया, लेकिन कंपनी रजिस्टर्ड हुआ 1 जुलाई 2018 को, मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन 3 महीने के बाद हुआ। अप्रैल में बिजनेस खरीदा था, अप्रैल नहीं हुआ, मई में भी नहीं हुआ, जून में भी नहीं हुआ, जुलाई में रजिस्ट्रेशन हुआ। अप्रैल में हमने 1 अप्रैल को हमने बिजनेस खरीदा था, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई को रजिस्ट्रेशन हुआ। तो कंपनी लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी का है 1 जुलाई, मतलब कंपनी पैदा हुआ 1 जुलाई को, उसके पहले कंपनी था ही नहीं। 1 जुलाई, ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2019। तो ये लाइफ में एक ही बार होगा ये चैप्टर बार बार नहीं होगा। जब हमने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर कर लिया 1 अप्रैल को, मानता हूँ रजिस्ट्रेशन हुआ 1 जुलाई को, हम थोड़ी ना बिजनेस बंद करके बैठेंगे। भाई हमने लाखों करोड़ों रुपए लगाया, हम बिजनेस शुरू करेंगे, हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे? इस बीच में जो प्रॉफिट होगा ना, हम किसी और के नाम से करेंगे जिससे हमने परचेज किया था। हम बोलेंगे अब तक तेरे नाम बिजनेस करते हैं, और कंपनी एक बार फॉर्म हो जाएगा तो एवरीथिंग बिलोंग टू कंपनी। कंपनी एक बार फॉर्म हो जाएगा 1 जुलाई को, तो सब कंपनी के नाम से करेंगे। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब हम बुक्स अकाउंट क्लोज करेंगे तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट हम लोग कॉलमर फॉर्म में बनाएंगे। कॉलमर का मतलब होता है कि जो इतना पीरियड है थ्री मंथ इसको बोलेंगे प्री, और ये बाकी 9 मंथ इसको बोलेंगे पोस्ट। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसके पहले का पीरियड प्री, उसके बाद का पीरियड पोस्ट माना जाएगा। तो हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें डबल कॉलम बनाएंगे, प्री और पोस्ट कॉलम। कितना प्रॉफिट प्री में कमाया और कितना प्रॉफिट पोस्ट में कमाया। लेकिन सुनो एक इंस्ट्रक्शन, जब आप कॉलमर फॉर्म बनाओगे पीएनएल अकाउंट, तो अगर उसमें प्रॉफिट होता है प्री पीरियड में, अगर प्रॉफिट होएगा प्री पीरियड जब आप क्लोज करोगे प्रॉफिट होता है, तो आप प्रॉफिट किधर लिखोगे? कैपिटल रिजर्व में लिखना। कैपिटल रिजर्व इट इज अ वन टाइम, इट कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कंपनी इसमें से डिविडेंड नहीं दे सकती, कैपिटलाइज हो जाएगा क्योंकि वन टाइम होता है ना। और अगर लॉस होता है तो लॉस किधर घुमाओगे? गुडविल में। आप अपना एसेट से एडजस्ट कर देंगे अगर लॉस हुआ तो, समझेंगे हम टेक ओवर में उतना एडजस्टमेंट कर देंगे। नेक्स्ट, अगर पोस्ट में अगर प्रॉफिट होता है, पोस्ट पीरियड में अगर प्रॉफिट होता है तब पीएनएल अकाउंट में लिखोगे, लॉस होगा तभी भी पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे, ओके? तो याद रहेगा ना, कंपनी जब हम टेक ओवर किए 1 अप्रैल को, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया 1 जुलाई को। रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम लगता है, तो रजिस्ट्रेशन के पहले का जो पीरियड रहेगा उसको बोलेंगे प्री, उसके बाद का पीरियड को बोलेंगे पोस्ट। तो पोस्ट बिलोंग टू कंपनी एंड प्री बिलोंग टू जिससे हमने बिजनेस खरीदा था, हम उसके नाम पे बिजनेस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको बांटना है बिटवीन प्री और पोस्ट,
तो कुछ खर्चे को टाइम बेसिस पे बांटना है, कुछ खर्चे को सेल्स बेसिस पे बांटना है, कुछ लोग को प्री में ट्रांसफर करना है, कुछ लोग को पोस्ट में लिखना है। तो पहला बात कर लेते हैं टाइम बेसिस पे किसको बांटते हैं। तो जो खर्चे फिक्स्ड नेचर होते हैं, फिक्स्ड का मतलब होता है पूरा 12 महीना होता है ना, हर महीने खर्चा होता है। टाइम बेसिस कुछ खर्चे को हम टाइम बेसिस से बांटेंगे, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो हर मंथ होते हैं, साल में पूरा 12 महीना होता है, हर मंथ होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हर मंथ होंगे। मतलब तुम सेल करो या ना करो तुम्हारा एक्सपेंस होगा, इसी को बोलते हैं टाइम बेसिस। तो टाइम बेसिस में किसको बांटते हैं, लाइन से लिस्ट बना इसको नोट कर लेना। पहला फिक्स्ड एक्सपेंस, जो खर्चा फिक्स्ड होता है मतलब हर महीना होगा, मतलब होगा। जैसे कि रेंट पकड़ लो, अगर अपन एक ऑफिस लिए उसका रेंट पे कर रहे हैं तो हर महीने रेंट देना ही पड़ेगा, आपका बिजनेस हो या ना हो आपको रेंट देना पड़ेगा। तो फिक्स्ड एक्सपेंस किसमें बांटोगे, टाइम बेसिस से बांटना। नेक्स्ट है सैलरी, सेल्स हो या ना हो हमने जो स्टाफ रखा है उसको पगार देना पड़ेगा, तो सैलरी को कैसे बांटोगे, टाइम बेसिस पे बांटना। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्स अभी डिस्कस कर लिया सर ने, आपका सेल हो या ना हो आपको हर महीने रेंट पे करना है, तो सेल से कोई लेना देना नहीं है। जिसका सेल से कोई लेना देना नहीं होता है उसको टाइम बेसिस पे बांटना है। नेक्स्ट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किसका है, आपने ऑफिस है, आपका ऑफिस है, उस ऑफिस का इंश्योरेंस किया होगा, तो आपका सेल हो या ना हो आपको इंश्योरेंस देना है। नेक्स्ट रिपेयर्स, ऑफिस का रिपेयर्स है। डेप्रिसिएशन, आपका सेल हो या ना हो एसेट्स तो डेप्रिशिएट होता है ना, एसेट्स का भाव गिरता है, तो डेप्रिशन का अमाउंट फिक्स्ड होता है। आपका सेल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डेप्रिशन तो एसेट्स का होगा क्योंकि एसेट्स रखे रखे भी डेप्रिशिएट होता है, तो डेप्रिशन कैसे बांटना है, टाइम बेसिस से बांटना है। बैंक चार्जेस, बैंक का चार्जेस होता है ना फिक्स्ड अमाउंट, इतना आपको देना है करंट अकाउंट होल्डर लोग को, आपका सेल हो या ना हो चार्जेस कट करेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइट बिल, अपना आपका सेल से कोई लेने देना नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बांटना है, टाइम बेसिस पे। टेलीफोन एक्सपेंस टाइम बेसिस से बांटना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, जितना भी स्टूडेंट ऑफिस का खर्चा होगा उसको आप टाइम बेसिस पे ही बांटना है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कैसे बांटोगे, टाइम बेसिस पे। पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस खर्चा है, टाइम बेसिस पे बांटना। ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम बेसिस से बांटना। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस टाइम बेसिस पे बांटने का क्योंकि इसका सेल से कोई लेना देना नहीं है। जनरल कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो जनरल है, तो जनरल एक्सपेंस को भी इसी में बांटना, या उसको बोलेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंस और सन्ड्री एक्सपेंस एक जैसे ही है। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो क्लियर नहीं बोला है जनरल एक्सपेंस है, तो टाइम बेसिस पे बांट देना। हम एज्यूम करेंगे हर महीने वो खर्चा हुआ है, हर महीने हुआ है, तो याद रहेगा टाइम बेसिस पे किसको बांटना है। फिर टाइम बेसिस पे किसको बांटेंगे, ऐसा एक्सपेंसेस जिसका सेल से कोई लिंक नहीं है, मतलब सेल इंक्रीज हो सेल डिक्रीज हो आपका एक्सपेंस होगा ही होगा, हर मंथ होगा, पूरा 12 महीने होगा, इसीलिए ऐसा खर्चों को हम किस में बांटते हैं, टाइम बेसिस से बांटते हैं। ओके बताना मेरे कमेंट में समझा कि नहीं टाइम बेसिस। सेकेंड कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसको हम लोग सेल्स बेसिस से बांटेंगे, मतलब इनका लिंक डायरेक्ट सेल के साथ है, मतलब सेल इंक्रीज होगा तो खर्चा भी इंक्रीज होगा, सेल डिक्रीज होगा तो खर्चा भी डिक्रीज होगा, समझे। इनका डायरेक्ट रिलेशन सेल के साथ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। इफ योर सेल इंक्रीज योर एक्सपेंस विल आल्सो इंक्रीज, इफ योर सेल डिक्रीज योर एक्सपेंस विल आल्सो डिक्रीज साइमल्टेनियसली। तो सेल्स बेसिस में किसको बांटोगे, जो खर्चे वेरिएबल होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का लिंक सेल के साथ है, जितना ज्यादा सेल करोगे उतना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जितना कम सेल होगा ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा, मतलब जीपीयू कैसे बांटोगे, सेल्स बेसिस से बांटना, ठीक है। नेक्स्ट कमीशन, हम लोग सेल्समैन लोग कमीशन पे करते हैं, तो जितना ज्यादा कमीशन दिया रहेगा उतना ज्यादा सेल भी तो हुआ रहेगा, जितना कम कमीशन दिया रहेगा उतना कम सेल हुआ रहेगा, कमीशन का लिंक सेल के साथ है। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, हम अपना सेल्स को बढ़ाने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं, तो अगर कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, अगर कंपनी ने डिस्काउंट दिया इसका मतलब सेल भी तो हुआ रहेगा उनका। कम डिस्काउंट मतलब कम सेल, ज्यादा डिस्काउंट मतलब ज्यादा सेल। बैड डेट, हम सेल करते हैं तो पैसा भी हमारा डूबता है, तो जितना ज्यादा सेल करोगे बैड डेट भी वैसी रहेगा, जितना कम सेल करोगे बैड डेट भी उतना कम रहेगा। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेल्समैन, हमारे सेल्समैन ऑल ओवर इंडिया में घूम घूम के प्रोडक्ट बेचते हैं, तो जितना ज्यादा ट्रैवलिंग किया जाएगा उतना ज्यादा सेल्स भी तो होगा,
जितना ट्रैवलिंग ज्यादा किया रहेगा सेल्स भी उतना बढ़ेगा, जितना ट्रैवलिंग कम किया रहेगा सेल्स भी उतना कम होगा। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस और सेल्समैन बोला है। नेक्स्ट कैरेज ऑन सेल का मतलब होता है कैरेज आउटवर्ड, उन्हें क्या एक खर्चा होता है ना कैरेज आउटवर्ड, होम डिलीवरी घर पे पहुंचा के देंगे। पिज्जा कॉल करते तो पिज्जा वाला आके घर पे देके जाते हैं ना, कैरेज आउटवर्ड उसी को बोलते हैं। तो जितना ज्यादा कैरेज आउटवर्ड हुआ रहेगा उतना ज्यादा सेल भी तो होता है, जिसका सेलिंग एक्सपेंसेस जिसका लिंक सेल के साथ होता है। आगे बढ़ते हैं पैकिंग एक्सपेंस, जितना ज्यादा सेल हुआ रहेगा उतना ज्यादा पैकिंग खर्चा भी हो रहेगा। जैसे अमेजोन, अमेजोन पे अगर सेल बढ़ेगा तो पैकिंग का खर्चा भी तो बढ़ेगा। ओके नेक्स्ट फ्री सैंपल, हमारा सेल बिक नहीं रहा था, हमारा सेल नहीं हो रहा था तो हमने फ्री में सैंपल देना चालू किया। ये क्यों करते हैं, एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट है ताकि हमारा सेल्स बढ़े। ओके तो फ्री सैंपल जितना ज्यादा लोगे सेल्स आपका बढ़ेगा। सेल्स और प्रमोशन एक्सपेंसेस, कंपनी जब कार सेल करती तो 3 साल का वारंटी देती है, एक दूसरा कंपनी है नया उसको भी अपना सेल बढ़ाने का तो उसने सीधा बोला 5 इयर्स का वारंटी, एक तीसरा कंपनी है वो बोलता है 10 साल का वारंटी। वारंटी देने से कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, कुछ गाड़ी में खराब हुआ था कंपनी है ना, तो वारंटी जो दे रहे हैं ये आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, सेल्स को बढ़ाने के लिए हम देते हैं। जितना ज्यादा सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस करेंगे उतना ज्यादा हमारा सेल्स भी बढ़ेगा। तो ये जितना भी खर्चा मैंने लिखा है इसका लिंक डायरेक्ट किसके साथ है स्टूडेंट, सेल के साथ है। समझ में आया। नेक्स्ट कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसको हम प्री में लिख देंगे, मैंने बोला ना ये पीरियड में कंपनी तो था ही नहीं तो हम किसके नाम पे बिजनेस करेंगे, वो पार्टनर के नाम पे करेंगे। सोचो आपने किसी का एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस टेक ओवर किया तो कंपनी तो बॉर्न हुआ 1 जुलाई को, उसके पहले हम वो पार्टनर के नाम पे बिजनेस करेंगे तो कुछ खर्चे डायरेक्टली प्री में ट्रांसफर कर देना। तो प्री कुछ ऐसे एक्सपेंस होंगे जो पार्टनर संबंधित होंगे उसको सीधा प्री में ट्रांसफर कर देना। एग्जांपल पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इसको सीधा सीधा प्री में लिख देना। और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो सीधा सीधा बिलोंग करते हैं कंपनी को, मतलब आपको पढ़ते क्लिक हो जाएगा ये कंपनी खर्चा है, पार्टनरशिप में खर्चा नहीं है। तो कुछ खर्चे सीधा पोस्ट में घुमा देना। नाम है डायरेक्टर फीस, पार्टनरशिप में डायरेक्टर नहीं होते, कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, तो डायरेक्टर फीस अगर दिया होगा सीधा सीधा पोस्ट में लिख देना। नेक्स्ट डायरेक्टर ट्रैवलिंग, डायरेक्टर ने बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवलिंग किया रहेगा तो उसको आप पोस्ट में ट्रांसफर कर देना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, कंपनी को फॉर्म करने में खर्चा होता है वो खर्चे को बाद में राइट ऑफ किया रहेगा तो कंपनी करती है ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसीलिए उसको पोस्ट में लिख देना। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, कंपनी को फॉर्म करने में खर्चा हुआ रहेगा उसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो पोस्ट में लिख देना। शेयर्स और डिबेंचर से संबंधित कोई भी चीज रहेगा ना सीधा पोस्ट में लिख देना, क्योंकि शेयर्स और डिबेंचर कंपनी इशू करती है, पार्टनरशिप वाले नहीं इशू करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि इसके पहले का पीरियड पार्टनर का था और उसके बाद का पीरियड कंपनी का था, तो शेयर्स और डिबेंचर संबंधित कोई भी चीज रहेगा ना सीधा कंपनी में लिख देना, जैसे कि डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, एमडी रेमुनरेशन कंपनी में होते हैं एमडी तो पोस्ट में लिख देना। अंडरराइटर कमीशन, अंडरराइटर कब आते हैं, जब आप शेयर इशू करते हैं कोई नहीं खरीदता तो अंडरराइटर आता है, अंडरराइटर कमीशन चार्ज करता है तो अंडरराइटर को कमीशन पे किया जाएगा, इट बिलोंग टू कंपनी इसीलिए पोस्ट में लिख देना। शेयर ट्रांसफर फीस, शेयर्स आए ना कुछ लोग अपने शेयर दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करते तो कंपनी चार्जेस लेती है तो ये इनकम किसका है, बिलोंग टू कंपनी, पोस्ट में आएगा। सैलरी ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर वगैरह सब कंपनी में होते हैं तो सीधा सीधा इसको पोस्ट में लिख देना। ओके कुछ और बातें ऑडिट फीस के बारे में, ऑडिट फीस याद रहेगा अगर टैक्स ऑडिट रहेगा अंडर सेक्शन 44AB के अंदर तो उसको आप कैसा बांटोगे, सेल्स का रेशियो बांट देना, लेकिन अगर कंपनी ऑडिट होगा तो सीधा उसको पोस्ट में लिख देना, ठीक है ना। अभी हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां पे मैं आपको बताऊंगा टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो कैसे निकालना है। अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना एकदम सिंपल है। द प्रमोटर ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड टुक ओवर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी अ रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2001। द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st अगस्त और लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते करते समय लग गया, 1st अगस्त कंपनी फॉर्म हुआ। द एनुअल अकाउंट क्लोज ऑन 31st मार्च 2002 विच रिवील्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
which reveals that the sales for the whole year total 1600 lakhs, out of which sales till 31st July were 400 lakhs. 31st July तक का सेल 400 है, उसके बाद का पोस्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%. द एक्सपेंसेस फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च 2002 आज फॉलोस. द एक्सपेंसेस फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च, अप्रैल से लेके मार्च तक का कुछ खर्चा दिया हुआ है, सब लैक्स में है. सैलरी, सैलरी फिक्स्ड होता है तो टाइम बेसिस से बांटेंगे. रेंट कैसा बांटेंगे वो भी फिक्स्ड होता है, टाइम बेसिस से बांटेंगे. सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम बेसिस से बांटेंगे, अभी डिस्कस किया था सर ने. ट्रैवलर कमीशन कैसे बांटोगे, सेल्स रेशियो बांटेंगे. डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया सेल्स को बढ़ाने के लिए, सेल्स रेशियो बांटेंगे. बैड डेट, जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा बैड डेट होता है, सेल्स रेशियो बांटेंगे. डायरेक्टर फीस, मैंने बोला ना कुछ खर्चे डायरेक्टली पोस्ट में लिख देने का, डायरेक्टर फीस. टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट तो कैसे बांटोगे, सेल्स रेशियो में. कंपनी ऑडिट रहेगा तो पोस्ट में लिखना. डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो बांटेंगे. और डिबेंचर इंटरेस्ट, कुछ खर्चे कंपनी को बिलोंग करते हैं डायरेक्टली इसको पोस्ट में लिख देना. ये फॉर्मेट बना लेना, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. रेडी एक स्टेटमेंट है, इसमें टू और बाय नहीं लिखना. ओके, वो पीनल अकाउंट डबल बनाने की जरूरत नहीं, स्टेटमेंट बनाने का. हमेशा क्वेश्चन में बोलते हैं स्टेटमेंट बनाओ, तो स्टेटमेंट है इसमें टू और बाय नहीं लिखेंगे. पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ एलोकेशन प्री और पोस्ट लैक्स में. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन मिला आपको तो टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकाल लेना. तो सुनो, टाइम रेशियो कैसे निकालेंगे. वर्किंग नंबर वन, टाइम बेस, टाइम रेशियो. टाइम रेशियो कैसे निकालना ये बताओ. कंपनी कब हमने टेक ओवर किया था, अप्रैल में ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. और ये पता लगाओ कि कंपनी रजिस्टर्ड कब हुआ. एक डेट था ना, अंडरलाइन मारा मैंने, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st अगस्त. ये देखो 1st अगस्त किधर आता है, बीच में दीवार डाल देना, इंडिया पाकिस्तान. तो ये जो पीरियड रहेगा इसको क्या बोलोगे, ये जो पीरियड रहेगा उसको बोलेंगे प्री, और ये जो पीरियड रहेगा उसको बोलेंगे पोस्ट. तो अभी मंथ गिन लो, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 मंथ प्री है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मंथ पोस्ट. इसको रेशो क्या रहेगा, 1:2. तो टाइम रेशियो कितना है अपना, टाइम रेशियो क्या है अपना, 1:2. बोलो समझा 1:2 कैसे निकाला. तो जो खर्चे फिक्स्ड टाइप के होंगे उसको हम 1:2 में स्प्लिट करेंगे, प्री और पोस्ट में. नंबर टू, सेल्स रेशियो. सेल्स रेशियो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. क्वेश्चन में पता लगाओ, एक बीच में दीवार डाल देना प्री और पोस्ट का. क्वेश्चन में देखो टोटल सेल कितना दिया था, टोटल सेल दिया था 1600, बराबर टोटल सेल 1600 है, उसमें से प्री का सेल दिया हुआ है. प्री में देखो क्वेश्चन में पढ़ो, आउट ऑफ इस सेल टिल जुलाई, 31st जुलाई तक का सेल दिया है 400, टोटल 1600 है, टोटल 1600, उसमें 400 प्री का है, तो पोस्ट कितना 1200 ना. इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, इसको छोटा करो तो रेशियो आएगा 4/12 में कट होता ना, 4 3 12, तो 1:3 इज द सेल्स रेशियो. टोटल 1600 था, उसमें 400 प्री का सेल है, तो बाकी पोस्ट का सेल है, इसको छोटा करोगे तो रेशियो आएगा 1:3. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट. क्या लिखेंगे सर, ग्रॉस प्रॉफिट. तो ये बताओ ग्रॉस प्रॉफिट, क्वेश्चन में पढ़ते जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, 25% दिया है ना सेल्स का, 25%. तो अपना सेल कितना था टोटल 1600 का 25% निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. ग्रॉस प्रॉफिट समझा 400 कैसा आया. सेल्स रेशियो में ना लिख देना सेल्स, ओके बस इतना लिख देना सेल्स, सेल्स रेशियो. तो ग्रॉस प्रॉफिट जो 400 कैसे बांटेंगे, सेल्स रेशियो में. व्हाट इज द सेल्स रेशियो, 1:3, इसको 1:3 में बांटो 400 को, तो 400 × 1/4, इसका बेस 4 ना, तो प्री में आएगा 100 लाख और पोस्ट में आएगा 300 लाख. क्लियर, में से एक्सपेंस लेस करते. चलो पहला एक्सपेंस कौन सा है, सैलरी. पहला एक्सपेंस है सैलरी.
सैलरी कितना लाख है, 69 लाख, 69 लाख को कैसा बांटेंगे, टाइम बेसिस पे बांटेंगे, टाइम बेसिस पे। आप चाहिए तो एक टोटल कॉलम बना लेना, टोटल कॉलम मैं बना देता हूं, एक टोटल कॉलम, ठीक है, एक टोटल कॉलम बना देता हूं आपको क्लिक होने के लिए। 400 को बांट दिया, सैलरी को बांटेंगे, सैलरी कितना दिया है 69 लाख, पहले पूरा लिख लेता हूं, ठीक है, सैलरी। नेक्स्ट रेंट, बाद में एक बार बांटते, रेंट 24 लाख, रेंट को कैसे बांटेंगे, टाइम बेसिस पे बांटेंगे। नेक्स्ट रेंट के बाद है सन्ड्री, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस कितना 66, इसको भी कैसे बांटेंगे हम लोग, टाइम बेसिस पे बांटेंगे। सन्ड्री के बाद है ट्रैवलिंग कमीशन, ट्रैवलर कमीशन, ट्रैवलर कमीशन 16 लाख है, इसको कैसे बांटेंगे, सेल्स रेशियो में बांटेंगे। ट्रैवलर कमीशन के बाद है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जो है 12 लाख है, कैसे बांटोगे, सेल्स बेसिस पे बांटेंगे इसको। बैड डेट, जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा पैसा भी डूबता है, तो बैड डेट कैसे बांटेंगे। नेक्स्ट बैड डेट, जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना पैसा भी डूबता है, तो बैड डेट जो है 4 लाख कैसे बांटेंगे, सेल्स बेसिस पे बांटेंगे। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर बोला है ना कंपनी का, तो डायरेक्टर फीस कहां लिखेंगे, कंपनी में लिखेंगे, तो सीधा क्या लिखोगे, पोस्ट। टैक्स ऑडिट कैसे बांटेंगे, सेल्स रेशियो में बांटेंगे, टैक्स ऑडिट का अमाउंट कितना दिया 9 लाख। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 12 लाख, कैसे बांटोगे, टाइम बेसिस पे बांटेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी का होता है, तो सीधा किधर लिखोगे, उसको पोस्ट में लिखेंगे, इसका अमाउंट कितना है 11 लाख। अब कुछ नहीं इसको बांटना है, तो चलो इसको बांटते हैं, रेशियो मिला ना, इसका बेस 3, इसका बेस 4, ओके, तो 69 को टाइम रेशियो बांटना, व्हाट इज द टाइम रेशियो, 1:2 ना, तो 69 कैसे में लिखो, 69 × 1/3, आंसर 23 लाख, 69 × 2/3 आंसर 46 लाख। 24 को टाइम बेसिस से बांटेंगे, 1:3 में बांटेंगे 24 को, तो 24 × 1/3 आंसर 8 लाख, तो 24 − 8 बैलेंस 16 लाख पोस्ट में आएगा। 66 को टाइम बेसिस से बांटेंगे, से 1:3, तो 66 × 1/3 आंसर 22 लाख, बैलेंस कितना बचा 66 − 22, वो पोस्ट में जाएगा 44। 16 को सेल्स रेशियो बांटेंगे, सेल्स रेशियो 1:3 मतलब 1/4 और 3/4 करेंगे, तो 16 × 1/4 आंसर 4 आएगा, तो बैलेंस कितना बचा 12 को भी 1:4 में बांटेंगे, तो 12 × 1/4 आंसर 3, तो बैलेंस कितना बचा 9। 4 को सेल्स रेशियो बांटेंगे, तो 1 को आएगा 1, इसको आएगा 3, इसको पोस्ट में लिखना है ना स्टूडेंट्स, को सीधा पोस्ट में लिख देना या डैश कर देना। 9 को सेल्स रेशियो बांटेंगे, तो 9 × 1/4 आंसर 2.25 लाख है, लाख है, तो राउंड ऑफ मत करना, ये लाख में है तो 2.25 लाख लिखो, तो 9 − 2.25 आंसर आता है 6.75। 12 को टाइम रेशियो बांटेंगे 1:3, तो 12 × 1/3 आंसर 4, तो बैलेंस कितना बचा 8। 11 को सीधा पोस्ट में लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये खर्चे को लेस करो प्रॉफिट आएगा, ओके, तो 100 − 23 − 8 − 22 − 4 − 3 − 1 − 2.25 − 4 आंसर आता है 32.75। ये प्रॉफिट किधर जाएगा, ये प्रॉफिट जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ये प्रॉफिट जाएगा कैपिटल रिजर्व में, सुने, ये वाला प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में, चलो उसका माइनस करते हैं, पोस्ट का 300 − 46 − 16 − 24 − 12 − 9 − 3 − 25 − 6.75 − 8 − 11 प्रॉफिट आता 119.25। ये प्रॉफिट थोड़ा नीचे लिख देना, ये प्रॉफिट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ प्रॉफिट प्रायोरिटी इनकॉर्पोरेशन का जो कंसेप्ट था, टाइम और सेल्स रेशियो बांटना लो समझ में आया, और सेकंड इसके ऊपर एक प्रॉब्लम किया हमने, और हमेशा इसी बनाना जैसा मैंने सीखा है।
वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों से शेयर करें। आपको किसी और टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन। बाय बाय।